देखिए नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता ही होता है। जैसे आप वॉल पर हिट करेंगे तो वॉल भी आप पर उतना ही, जितना फोर्स आपने वॉल पर लगाया वॉल भी बिल्कुल उतना ही फोर्स आप पर अपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा। आपने वॉल पर लगाया, वॉल ने आप पर लगाया। तो यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि आप किसी भी चीज़ पर जितना भी फोर्स लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट भी आप पर बिल्कुल उतने ही अमाउंट में उतना ही फोर्स आप पर लगाएगा। देखिए एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है, यानी आपने वॉल पर लगाया जो फोर्स वो एक्शन हो गया और वॉल ने आप पर जो फोर्स लगाया वो रिएक्शन हो गया, तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल बराबर होगा, वैल्यू बराबर होगी। जो फोर्स लगी, आपने जितना फोर्स वॉल पर लगाया वॉल ने उतना ही फोर्स आप पर लगाया, बस इनकी डायरेक्शन अलग होगी एक्शन और रिएक्शन की। आपकी डायरेक्शन जो फोर्स लगाया वॉल की ओर होगी और वॉल ने जो फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन आपकी ओर होगी। मोर ओवर एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। हमेशा याद रखिएगा जो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स है ये दो अलग अलग बॉडीज पर काम करता है। आपने वॉल पर फोर्स लगाया एक्शन, ठीक, तो वॉल पर एक्शन हुआ और वॉल ने आप पर रिएक्शन लगाया, तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट बॉडीज पर काम करते हैं। एक्शन ने वॉल पर काम किया और रिएक्शन ने आप पर काम किया। तो याद रखिएगा एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये अक्सर आता है कि एक्शन रिएक्शन इक्वल एक ही फोर्स होते हैं कि एक ही बॉडी पर काम करते हैं कि अलग अलग, तो आपको याद होना चाहिए कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड। ए बॉल रीबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ए फ्लोर। जब कोई बॉल को हम ऊंचाई पर से छोड़ते हैं वो जाकर फ्लोर से टकराता है, तो फ्लोर से टकराने के बाद वो फिर रीबाउंड हो जाता है, तो ऐसा वो थर्ड न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के कारण ही होता है। क्योंकि आपने बॉल को जब फ्री किया, ठीक, तो बॉल को फ्री किया तो बॉल जाकर फ्लोर से टकराई, ठीक, उसने फ्लोर पर एक फोर्स लगाया एक्शन, और जितना फोर्स उसने फ्लोर पर लगाया फ्लोर ने ही ठीक उतना ही फोर्स बॉल पर भी अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। देख रहे हैं, फ्लोर एग्जर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बॉल, ड्यू टू दिस रिएक्शन द बॉल रीबाउंड्स। इस वजह से बॉल क्या हुआ, ऊंचाई पर वापस आ गया, रीबाउंड हो गया। अगला है वॉकिंग ऑफ ए पर्सन। जब हम लोग चलते हैं तो वहाँ पर भी एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स काम करते हैं। अगर ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स ना काम करें तो हम चल ही नहीं पाएंगे। देखिए ये देखिए एक इमेज है, इसमें ये पर्सन जब मूव कर रहा है तो अपने पैर के आगे वाले हिस्से से फ्लोर पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है। देख रहे हैं एक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, तो आपको पता है कि किसी भी फ्लोर पर रिएक्शन होता है। जब दो सरफेसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो वहाँ दोनों के सरफेस के रफनेस के कारण एक फोर्स काम करता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये अपने पैर से पीछे की ओर फोर्स लगा रहा, तो इसे एक्शन कहेंगे। और जो फ्लोर यानी रोड है वो आगे की ओर उतना ही फोर्स उस पर लगा रहा है फ्रिक्शन के रूप में, ठीक है, उसके चलने का विरोध कर रहा है, लेकिन उसी विरोध के कारण वो चल पा रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है। अगर यहाँ फ्रिक्शन ना होता तो वो स्लिप कर जाता, आगे ही नहीं चल पाता। तो जितना फोर्स इसने अपने पैर से बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया रोड ने भी उतना ही इक्वल रिएक्शन इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया, तो इसी रिएक्शन फोर्स के कारण ये पर्सन आसानी से या हम लोग आसानी से चल लेते हैं। देखिए व्हेन ए पर्सन वॉक्स ऑन द ग्राउंड ही पुशेस द ग्राउंड विद हिज फुट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाई प्रेसिंग द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड को प्रेस करता है पीछे की तरफ। दिस पुश इज नोन एज एक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्ट्स ऑन द फुट ऑफ द पर्सन बाई द ग्राउंड।
तो ग्राउंड भी उस पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाता है. दिस रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑन द पर्सन पुशेज हिम टू हिम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसे चलने में मदद करता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ डू वी स्विम, हम कैसे तैर लेते हैं. तो सीधा वही एग्जाम्पल है, एक्शन और रिएक्शन. आप जितना पानी पे एक्शन लगाएंगे, ठीक है, पानी को पुश करते हैं ना हम पीछे की तरफ स्विम करने के लिए हैंड से, तो जैसे जैसे आप पुश करेंगे वाटर को, तो वाटर भी उतना ही इक्वल रिएक्शन आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा. व्हाइल स्विमिंग ए स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड विद हिज हैंड, ठीक है, पीछे की तरफ पानी को धकेलता है, तो ये हुआ एक्शन. द रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वाटर, तो वाटर भी उतना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है हमारे हैंड पर, हमारी बॉडी पर, टू द स्विमर पुशेज हिम फॉरवर्ड, इस वजह से स्विमर आगे की ओर तैरता है. एक एग्जाम्पल ये भी देखिए, वेन ए पर्सन जम्प आउट ऑफ ए बोट, कोई बोट है नदी के किनारे रखी हुई है, आप बोट पर हैं, अब बोट पर से आपने जंप किया किनारे पर, ठीक, तो जब वो जंप करेगा तो बोट पे भाई पीछे की तरफ पुश करेगा ना बोट को, तभी तो वो जंप कर पाएगा. तो जब वो बोट को पुश करेगा तो वो तो हुआ एक्शन फोर्स, क्योंकि पर्सन द्वारा पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है बोट पर, एक्शन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द बोट एग्जर्ट्स एन इक्वल फोर्स ऑन द पर्सन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जितना फोर्स वो बोट पर लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, बोट भी उतना ही इक्वल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में एज ए रिएक्शन उस पर लगाएगा. सो व्हेन द पर्सन जंप आउट ऑफ द बोट मूव्स बैकवर्ड, इसी वजह से पर्सन तो आगे आ गया, जंप कर गया, और बोट पीछे चली जाती है. अगला देखिए एग्जाम्पल, ये कह रहा है कि जब किसी बोट पर आप बैठते हो, जो कि जो नाविक होता है चलाने वाला, वो बम्बू से बांस वगैरह से क्या करता है कि किनारों पर बहुत तेज़ी से फोर्स लगाता है बोट को मूव कराने के लिए, तो जितनी तेज़ी से फोर्स लगाएगा किनारों पर, जितना ज़्यादा एक्शन लगाएगा, तो किनारे भी, किनारे की मिट्टी भी उस बम्बू पर उतना ही ज़्यादा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा एज ए रिएक्शन, जिसकी वजह से बोट जो है रिवर में मूव करने लगती है. आप देखते होंगे बांस से बार बार पानी के अंदर जो बम्बू से वो पुश करता है, तो बोट आगे बढ़ती जाती है. तो वो बोट क्यों आगे बढ़ती है, जितना फोर्स वो बम्बू से पानी में सरफेस पे लगाता है नीचे ग्राउंड पे, तो ग्राउंड उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बम्बू पे लगाता है, जिसकी वजह से बोट आगे बढ़ती है. वाई ए गन रिकॉयल्स, रिकॉयल्स का मतलब समझ लीजिए, जब कोई गन से शूट करता है बुलेट को, तो जितनी तेजी से शूट करता है बुलेट को, तो गन पीछे की तरफ भी आती है, हमारे हाथ पे पीछे की तरफ भी जर्क लगता है, इसी को कहते हैं रिकॉयल करना, ठीक है. मूव्स बैकवर्ड व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, ही द गन रिकॉयल्स, मतलब कि गन पीछे की तरफ भी आती है. तो ऐसा इसलिए होता है, देख लेते हैं क्यों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही यहाँ पे भी काम करेगा. When a bullet is fired from a gun, force is exerted on the bullet and the bullet accelerates in the forward direction. जैसे ही हमने ट्रिगर दबाया, बुलेट बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगी. लेकिन भाई आपने बुलेट पर कोई ना कोई फोर्स तो लगाया होगा ट्रिगर से. तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जितना एक्शन आप लगाएंगे उतना ही रिएक्शन भी लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट. तो आपने ट्रिगर से बुलेट पर एक्शन लगाया, तभी तो बुलेट आगे गई, तो बुलेट भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन गन पर लगाती है, जिसकी वजह से द गन एक्सलरेट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू दिस फोर्स. द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बुलेट इज नोन एज एक्शन एंड द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द गन बाय इज नोन एज रिएक्शन सिंस द मास ऑफ गन इज लार्जर. अब देखिए हुआ क्या कि बुलेट इतना तेजी से क्यों नहीं गन पीछे आई, तो उसका कारण यह है कि भाई बुलेट का मास तो कम था, आपने जितना फोर्स लगाया, अब मास कम था, स्पीड ज़्यादा थी, तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया और वो बहुत तेज़ी से आगे जाने लगी. लेकिन जब आपने बुलेट ने गन पर फोर्स लगाया एज ए रिएक्शन, तो गन पर फोर्स लगाया तो अब गन की मास ज़्यादा है, ठीक है, एम ज़्यादा है गन का मास,
और थोड़ी सी भी विलास्टी अगर पीछे थोड़ी सी भी अब विलास्टी अगर गन को पीछे की तरफ मिलती है तो मास ज्यादा है, विलास्टी भले कम है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट एम इंटू वी वो तो ज्यादा ही होगा, बिल्कुल उतना ही मोमेंटम होगा जितना कि गन का मोमेंटम होगा, मारे बुलेट का मोमेंटम। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, सो द गन रिक्वायर्स विद ए विलास्टी मच लेसर देन द विलास्टी विद विच द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है भाई, गन का मास कम था, विलास्टी उसको आपने ज़्यादा दे दिया, बहुत तेजी से चली गई, लेकिन जब बुलेट ने एज ए रिएक्शन गन पर फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, तो बुलेट अरे गन इसलिए ज़्यादा तेज पीछे नहीं गई क्योंकि गन का मास जो है बुलेट की तुलना में बहुत अधिक था, तो इस वजह से गन बहुत तेजी से पीछे नहीं जाती है। ठीक है, बस बस आ गया, हो गया। देखिए, द रॉकेट और जेट एरोप्लेन इंजन एक्सपेल्स हॉट गैसेज विद लार्ज स्पीड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम इट्स रियर एंड। ठीक है, नीचे के एंड से, पिछले एंड से वो बहुत तेजी से गैस बर्न होकर निकलती है, बहुत ही स्पीड से। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्टिंग ऑन द रॉकेट पुशेस द रॉकेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। बहुत तेजी से वो जब फ्यूल बाहर निकलती है एज ए गैस, तो क्या होता है कि एज ए रिएक्शन फोर्स एयर भी उस पर पुश करती है उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिससे जेट प्लेन बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। वाई ए फायरमैन स्ट्रगल टू होल्ड ए होज पाइप। देखिए, जब कहीं आग लगती है और फायरमैन फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, तो आप नोटिस करते होंगे कि जब पानी को वो स्प्रिंकल करते हैं फायर के ऊपर, तो उन्हें पाइप को बहुत मजबूती से पकड़े रहना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? तो उसका कारण ये है, दिस इज बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रशिंग थ्रू द होज पाइप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद ए लार्ज स्पीड एग्जर्ट्स ए लार्ज फोर्स ऑन द होज पाइप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। होता क्या है कि पानी बहुत स्पीड से उन पाइप में से पास होता है। ठीक है, तो जब बहुत स्पीड से पास होगा पानी, तो देखिए होज पाइप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन पानी बहुत तेजी से जाता है, तो एग्जर्ट ए लार्ज फोर्स ऑन द होज पाइप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बहुत तेजी से वो आगे जा रहा है, तो पीछे की तरफ एक फोर्स उसके ऊपर लगता है, पाइप के ऊपर। द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द होज पाइप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज रिएक्शन फोर्स। भाई पानी बहुत तेजी से आगे जा रहा है, तो वो एक्शन फोर्स हुआ, तो बदले में पाइप भी उस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है एज ए रिएक्शन फोर्स। दिस रिएक्शन फोर्स टेंड्स टू मूव द होज पाइप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब ये रिएक्शन फोर्स उसे पाइप को पीछे की तरफ खींचने लगता है। देयरफॉर ए फायरमैन स्ट्रगल टू होल्ड द होज पाइप स्ट्रांगली टू कीप इट एट रेस्ट। इसीलिए उसे रेस्ट पोजिशन में बनाए रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ताकि पाइप इधर उधर अपने आप ना भागे। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को तीनों लॉज, न्यूटन्स लॉज बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। न्यूटन लॉज ऑफ फोर्स के तीनों पार्ट्स को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आप लोग इस तरह के और भी वीडियो पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, नॉलेज अटेन करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अब कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सजेशंस भी दें। यदि वीडियो में किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, तो वीडियो पसंद आने पे लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।